तो अक्षय कुमार ने कंफर्म कर दिया सलमान खान की एंट्री को सिंघम अगेन में। अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाली और उसके कैप्शन में लिखा कि हमने चुलबुल सी बातें की, यानी कि ये तो सीधी बात है कि वो हिंट दे रहे हैं सलमान खान की एज ए चुलबुल पांडे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि क्या सलमान खान की शूटिंग हो गई है एज ए चुलबुल पांडे सिंघम अगेन के लिए, क्योंकि अक्षय कुमार ने जो फोटो डाली है अपने इंस्टाग्राम पे उसमें सारी टीम है सिंघम अगेन की सिवाय सलमान खान के। हो सकता है अभी उन्हें छुपा के रखा जा रहा हो, लेकिन ये पूरी टीम वापस से इकट्ठा हुए बिना किसी मेगा इवेंट के, सो हो सकता है कि शूटिंग के लिए ही हुए हो विद सलमान खान। बाकी पुष्पा 2 का नया टीजर आ गया है जो दिखता पुराने टीजर के जैसा ही है, पर पुराना टीजर नहीं है, बहुत सारे फर्क है, और फर्क नहीं यूं कहे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट है। जो ऑडियंस की शिकायतें थी पहले टीजर से उसको दूर किया गया है। ध्यान से देखोगे तो इसमें कलर चेंजिंग भी है पिछले वाले टीजर के मुकाबले, और ओवरऑल ये टीजर पिछले वाले टीजर से भी अच्छा लग रहा है। और इसी टीजर के साथ खुद अल्लू अर्जुन ने यह भी बताया है कि मूवी अब 6 दिसंबर नहीं 5 दिसंबर को ही आएगी, और अपडेट्स ऐसे भी है कि 4 दिसंबर को ही उसके प्रीमियम अर्ली शोज भी दिखाए जाए। और भूल भुलैया 3 की भी नई अपडेट आई है कि उनका एक और सॉन्ग रिलीज हो चुका है, और ये सॉन्ग भी लेजेंडरी ही है हरे राम हरे कृष्णा की तरह, जो सॉन्ग है आमी जे तोमार। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।